आज पीएसएल 9 के मैच पे थोड़ा सा जिक्र हो जाए, साय मयूब नेशनल टीम में आए रजी भाई और इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्होंने खुद एक्नॉलेज भी किया और कहा कि अच्छा हुआ मैं जल्दी फेल हो गया ताकि मुझे सीखने का मौका मिले, मगर पीएसएल में लगता है उन्होंने काफी कुछ सीख लिया है। डू यू थिंक ही इज नाउ रेडी फॉर द नेशनल टीम? डेफिनेटली, देखें ये प्रोसीजर होता है, ये नेचुरली हर एक के साथ होता है। जो ऐसे प्लेयर होते हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल में नहीं करते, उनके पास फिर भी विंडो होती है कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करें, क्योंकि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपको पता है जैसे इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का, न्यूजीलैंड वैसा नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। वो अच्छे प्लेयर हैं, एक इनिंग चाहिए इंटरनेशनल में, वो फिर इंशाल्लाह उनका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कायनात, जो टॉप थ्री टीम्स हैं, आपको लगता है यही इनका बनता था या कोई एक ऐसी टीम है जो अंडर डॉग थी और पहुंच गई यहाँ तक? नहीं, इन्हीं का ही बनता था और वेल डिजर्व्ड है, और मुझे लगता है आगे फाइनल बहुत इंटरेस्टिंग फाइनल होगा। और आज क्या लगता है कौन जीतेगा, इस्लामाबाद पेशावर? पेशावर पेशावर के ऊपर आपके पैसे लगा रखे? वेरी गुड, इधर भी पेशावर। वो एक्चुअली इस आज